सो हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वॉचिंग UPSC लाइब्रेरी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड सबमिट के बारे में, बिकॉज ये क्वाड जो सबमिट है, जो ये पहला जो ग्रुप है क्वाड, तो उसका ये पहला सबमिट और पहली सबमिट जो ये वर्चुअल सबमिट हुई है। वर्चुअल सबमिट मतलब लोग यहाँ पर जो कंट्री के जो लीडर हैं, जापान, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के, तो वो वर्चुअली मिले हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है। तो ये जो सबमिट जो हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है और ये पहली सबमिट है। तो इसमें क्वाड के जो क्वाड ग्रुपिंग के जो लीडर्स हैं वो उसमें मिले हैं और उनमें कुछ टॉपिक्स पर ये बात हुई है। तो इसमें जानेंगे इस पूरे लेक्चर में, लाइक जैसे क्वाड लीडर्स हैं तो उन्होंने बोला है कि जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर फ्री और ओपन ट्रांजिशन होना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पर जो वैक्सीन के बारे में कुछ बातें वहाँ पर हुई हैं। सो इस पूरे इलेक्शन में जानेंगे। सो ये कुछ इसका है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ये USA के प्रेसिडेंट और ये ऑस्ट्रेलिया के और ये जापान के, तो ऐसे ही उनमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पहला सबमिट है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये क्वाड ग्रुप का ये फर्स्ट सबमिट है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये वर्चुअली हुआ है। इसके अलावा आप UPSC लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो क्वाड ग्रुप, जिसको क्वाड ग्रुप बोलता है, तो ये एक चार कंट्रीज़ का अलायंस है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान है। और ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, बट 2007 के बाद ये इतना एक्टिव नहीं था, बिकॉज 2007 के बाद इसकी कोई भी पहली सबमिट नहीं हो सकी थी और ये इतना एक्टिव नहीं था पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इस वजह से इसको एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, बट कुछ हाल फिलहाल कुछ सालों में ही इस क्वाड ग्रुप को ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है। इसने वैसे कुछ स्टेटमेंट भी पास नहीं, लेकिन मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको चाइना को काउंटर करना है। लेकिन ऐसा उसका ऑफिशियली ऐसा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना है। तो ये चार कंट्रीज़ ने मिलकर ये ग्रुप बनाया। लेकिन इसकी जो फाउंडिंग मेम्बर बोला जा सकता है, वो बोला जा सकता है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो उनको बोला जा सकता है। तो इसके अलावा इसको बोला जाता है कि एशियन या मिनी नाटो की तरह बोला जाता है। सो नाटो जो अलायंस है उसकी तरह, इसको मिनी नाटो की तरह इसको बोला जाता है। सो इट्स व्यू एज ए काउंटर बैलेंस टू चाइनाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक क्लाउड इन इंडो पैसिफिक रीजन। सो जैसे मैंने बोला, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना की जो मिलिट्री और जो इकोनॉमिक पावर जो है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको काउंटर करना, उसको बैलेंस बनाना, तो ये इस ग्रुप का मेन मोटो है। तो इसी वजह से चारों कंट्री ने इस ग्रुप को क्रिएट किया था। सो 2020 में ऑल जो क्वाड मेंबर्स थे उनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज जो होती है, जो मालाबार एक्सरसाइज, ये बेसिकली इंडिया, जापान और USA के बीच में होती है। बट इसमें 2020 में जो एक्सरसाइज होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट कर लिया गया था। इस वजह से इसको क्वाड कंट्री की एक्सरसाइज भी बोला जाता है, इस मालाबार एक्सरसाइज को, जैसा इसमें लिखा हुआ है। जैसे ये मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, जापान और USA, बट इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट कर लेते, जिसकी वजह से उसको क्वाड कंट्री की एक्सरसाइज भी बोला जाता था। सो इस वजह से पिछले दो तीन साल में ये जो क्वाड ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगा है। जब से जो चाइना की जो प्रेजेंस है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में, बेसिकली जो इंडियन रीजन में, ये इंडियन सी में उसकी जो प्रेजेंस है चाइना की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती आ रही है। उस चीज़ को देखते हुए ये जो क्वाड ग्रुप है या ये जो USA या इंडिया है, उनको चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा जब ये समिट स्टार्ट हुई थी तो क्वाड के जो लीडर हैं उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। सो द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, सो ये जो बेसिकली जो व्हाइट हाउस की जो साइट है, तो वहाँ से उसका कटआउट ले जाया। तो जो द स्पिरिट ऑफ क्वाड का मीन्स है, जो इंडो पैसिफिक जो वाला रीजन है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन, उसमें जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, लाइक उसमें किसी भी कंट्री की मोनोपली नहीं होनी चाहिए, या इकोनॉमिक पार्ट जो, जैसे चाइना जो कर रहा है कि बाकी का छोटी छोटी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कर रहा है, बाद में उसके अलावा जब वो लोन का जो इंटरेस्ट है या जो लोन अगर वो चुका नहीं पाते, तो उनके जो लैंड को बेसिकली उनको कब्जा लेता है, मतलब उनसे ले लेता है। तो इस हिसाब से उसको बोला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन ट्रेड होना चाहिए। वी स्ट्राइव टू रीजन दैट इज़ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, हेल्दी एंड एंकर्ड बाय द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बोला एंड अनकंस्ट्रेंड बाय द कोर्स
क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऐसी भारी ताकत का इसमें दखल नहीं होना चाहिए। सो इसमें यह बोला गया, तो ये भी इसमें बोला गया, सो इसका जॉइंट स्टेटमेंट है द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, तो इस चीज़ को आप याद रखना। सो इस समिट में अगर इसमें आउटकम देखा जाए तो इसमें आउटकम इसमें ये आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं। सो आउटकम अनाउंस बाय द यूएस प्रेसिडेंट बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी मॉरिस एंड सुगा, सुगा मतलब जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो इस चीज़ को याद रखना। इससे पहले जो शिंजो अबे थे उनको वो कुछ हेल्थ इशूज की वजह से उन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो छोड़ दी, तो सो इनके बाद ये प्राइम मिनिस्टर सुगा जापान के प्राइम मिनिस्टर, तो चीज़ को याद रखना। सो उन्होंने बोला है कि इसके अलावा जो एक तो उन्होंने स्प्रिट ऑफ द क्वाड था, उसके अलावा जो कोरोना वायरस की वजह से जो गरीब कंट्री है उनको देखते हुए एक वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, टू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू कोऑपरेट एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एज वेल एज क्लाइमेट चेंज। सो एक तो वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो गरीब कंट्री है जिनको जो वैक्सीन प्रोवाइड मतलब जो वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्वाड के जो कंट्रीज के जो ग्रुप है उनके, और उसके अलावा कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है उसको उसके ऊपर भी ये कुछ काम करेंगे। सो इस वैक्सीन इनिशिएटिव में देखा जाए तो जो वैक्सीन इनिशिएटिव है कम्स विद एन एमबीएस चैलेंज डेडलाइन, लाइक इसमें डेडलाइन इसमें ये है कि डेडलाइन में ये है कि जो कुछ इसमें 1 बिलियन वैक्सीन इसमें बनाई जाएंगी, मतलब बनाई जाएंगी वो भी 2020 के आखिर तक एंड तक, और ये सब वैक्सीन कौन बनाएगा, इंडिया। सो वैक्सीन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है, इंडिया के ऊपर विद यूएस टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा यूएसए, और उस पूरे इनिशिएटिव को फंडिंग कौन देगा, वो देगा जापानीज, और जो वैक्सीन जब बन जाएंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कौन देखेगा, वो देखेगा ऑस्ट्रेलिया। सो इस पूरे क्वाड ग्रुप को और जितने क्वाड ग्रुप चारों मेंबर हैं उनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लाइक इंडिया इन वैक्सीन को बनाएगा और यूएसए जो है उसको जो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और जापान जो फंडिंग देगा, और जो ऑस्ट्रेलिया उन सब वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सो इस चीज़ को अलग अलग क्वाड मेंबर जो क्वाड के जो मेंबर उन्होंने अलग अलग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, और ये सब वैक्सीन इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगी। इसके अलावा इट अप्रिशिएटेड द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, सो ये जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है जो कि ये किसके द्वारा चलाया जाता है, इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि जो अदर अदर छोटी मोटी जो छोटी कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कराना ये इंडिया करा रहा था, इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर करा रहा था, जिसमें लिखा है कि इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी है। सो इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो इस चीज़ को देखते ही वो वैक्सीन इनिशिएटिव ही स्टार्ट किया था। सो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इज लॉन्च बाय द इंडिया टू गिव COVID-19 वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्रीज, सो इसमें इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको COVID-19 वैक्सीन प्रोवाइड करा, लाइक ये म्यांमार हो गया, ये सेशल्स हो गया, ये श्रीलंका हो गया, तो इन सभी कंट्रीज़ को वो इंडिया वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर जो COVID-19 की जो वैक्सीन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कंट्री अगर अफोर्ड कर सकती है उनको एज ए पैसों में उनको कोविड के वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था वो ऑन, और किसके अंडर करा रहा है, वो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर, तो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके अलावा इसमें इस जो समिट में हुए उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोविड के बारे जो लाइन ऑफ LAC का जो इशू है उसमें भी ये इशू डिस्कस किया था बाय द क्वाड लीडर एज वन ऑफ द सेवरल एग्जांपल वाई ऑफ चाइनीज एग्रेशन, सो चाइनीज एग्रेशन के द्वारा जो इंडिया में जो काफी सारे जो एग्जांपल हैं उनको उसको देखते हुए उस समिट में LAC के इशू को भी डिस्कस किया गया। तो इसके अलावा जो और इशूज हैं लाइक हांगकॉन्ग वाला हो गया, सिंगजियान वाला हो गया, या ताइवान स्टेट वाला इशू हो गया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, या जो सेनका जो जापान के साथ चल रहा है, तो वो सारे इशूज भी इस समिट में डिस्कस हुए। सो मेन फोकस इस पूरे समिट का यही रहा कि एक तो कोरोना के लिए जो वैक्सीन है वो वैक्सीन इनिशिएटिव वाला, प्लस चाइना को इसमें टैकल करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना को कैसे भी करके जो है उसको रोकना है, चाइना की प्रेजेंस को कम करना, ये पूरा इस समिट का ये था, जिसमें मेन इसमें स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट क्या आया था, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, तो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके अलावा इट कंसर्न रिगार्डिंग चाइनीज साइबर अटैक, सो हाल फिलहाल में साइबर अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, ऐसे इंडिया पर भी अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स USA पर भी हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान इन सब पर साइबर अटैक हो रहे हैं, और इनमें मेन कॉमन चीज़ है कि ये जितने भी साइबर अटैक होने हैं वो चाइना की तरफ से हैं, तो चाइना से उनमें लोकेट किए जा रहे हैं। सो चाहे साइबर अटैक ऑन द USA टारगेट्स, जैसे USA में माइक्रोसॉफ्ट हैं, या जो सोलर विंड्स हैं,
तो ये सारी कंपनीज में वो जो यूएसए की कंपनी है उनको टारगेट किया है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वो इंडिया में भी इसमें उसको टारगेट है। लाइक अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि वो पावर सप्लाई जो पावर ग्रिड है उस पर जो साइबर अटैक हुआ था वो चाइना के कहीं से भी आया था। तो ऐसे सारे साइबर अटैक्स को वहाँ पर उनको कंसर्न देखा जाए। इसके अलावा जो जापान और ऑस्ट्रेलिया में होता है उनको भी डिस्कस किया गया है। सो जिसमें कटआउट में लिखा है कि चाइनीज साइबर अटैक फॉल्ट पावर मिनिस्ट्री, सो ये बोला गया है। तो इंडिया में जो अभी हाल फिलहाल में जो साइबर अटैक हुआ था पावर ग्रिड पर जो महाराष्ट्र में, तो उसमें भी इस इशूज़ को डिस्कस किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखना। इसके अलावा द फोर क्वाड कंट्री विल इंश्योर इमिजन रिडक्शन। इसके अलावा इमिजन रिडक्शन मतलब क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। तो इसमें उनको इसको डिस्कस किया गया, लाइक इंश्योर इमिजन जो भी इमिजन है उसको रिडक्शन करेंगे, उसमें इंश्योर की जाएंगी बेस्ड ऑन द पेरिस अकॉर्ड। जो पेरिस अकॉर्ड है उसके बेसिस पर उस इमिजन को कम किया जाए। बिकॉज अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब से प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट की जो डील है उसमें जो संभव उसको दोबारा रिजॉइन कर लिया, यूएसए को रिजॉइन करा दिया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने पेरिस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही जो एमिशन है उसको कम किया जाएगा। एज इसके अलावा इट कॉपरेट ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन 5G नेटवर्क एंड बायोटॉमिक्स। तो उसमें वो जो टेक्नोलॉजी सप्लाई उसमें भी कॉपरेट करेंगे, 5G नेटवर्क उसमें भी ये चीज़ें क्वाड ग्रुप उसमें और ज़्यादा डिस्कस करेगा और टेक्नोलॉजी लाएगा उस पर वर्क करेंगे एक साथ, और जो बायोटेक्नोलॉजी उस पर भी चारों कंट्रीज वर्क करेंगे। तो ये इसमें इंश्योर किया है अगर उन कार्ड कंट्रीज हैं। इसके अलावा ये जो रीज़न मतलब इसमें देखा जाएगा कि जो क्वाड जो कंट्रीज हैं इसका मतलब जो समिट जो हो रही है ये जो ग्रुप है, तो ये इसका बनने का कोई रीज़न होगा, मतलब कुछ तो रीज़न होगा कि आखिर ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि फर्स्ट सिमिलर रीज़न है कि लाइक जो मैरीटाइम टेंशन हो गई चाइना के साथ बाकी कंट्रीज के हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया का हो गया, जापान वाला हो गया, या जो मैरीटाइम टेंशन उसके अलावा जो ट्रेड हैं या टेलीकम्युनिकेशन इशूज हैं वो ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ साथ इसके अलावा इंडिया के साथ भी हैं। तो इन सब ये सब सिमिलर इशूज हैं, सिमिलर रीजन हैं इन कंट्रीज़ का, इसी वजह से इन्होंने ऐसे ग्रुप को फॉर्म किया। और आज जो अभी हाल एक हफ्ते पहले जो पहली समिट जो हुई थी ये उसका रिजल्ट है। इसके अलावा इंडिया का तो काफ़ी सारा है, लाइक इंडिया न्यू टर्म्स ऑफ क्वाड विल मीन द मोर स्ट्रेटेजिक। सो इंडिया के लिए जो क्वाड है वो एक और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल जाता है इंडिया को, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जो एलएसी पर जो टेंस हुई थी जो गलवान घाटी में, तो उसकी उसको देखते हुए इंडिया को जो सपोर्ट मिल रहा है जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इट ऑल्सो बूस्ट फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के अलावा जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी जो अपॉर्चुनिटी है जो या इसको पार्टनरशिप है इंडिया को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो ये और इंडिया के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देन इसके अलावा अगर इस समिट पर चाइना का रिएक्शन हम देखें तो चाइना का रिएक्शन ये है कि एक्सचेंज एंड कॉपरेशन ने बोला है कि चाइना ने बोला है कि एक्सचेंज एंड कॉपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन टारगेटिंग ए थर्ड पार्टी और रिफ्रेन फ्रॉम परस्यूइंग एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स। मतलब चाइना ने बोला है कि ये जो समिट हो रहा है तो समिट में ये बोला है कि इसमें जो एक्सचेंज और कॉपरेशन है कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीब्यूट करने चलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ना कि किसी एक थर्ड पार्टी कंट्री को या किसी भी कंट्रीज को टारगेट करके, ऐसा चाइना ने बोला। और चाइना को पता है कि थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री कौन है, वो खुद चाइना ही है। तो इसी वजह से चाइना ने बड़ी ही डिप्लोमेसी के तरीके से उसने ये कमेंट पास किया। लाइक ये जो ग्लोबल टाइम्स है सो इसमें ये भी लिखा है कि इसमें भी ये जो आर्टिकल है सियोल, बिकॉज सियोल किसकी कैपिटल है वो है साउथ कोरिया की। सो साउथ कोरिया भी चाहता है कि क्वाड में वो भी हिस्सा ले। तो इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने साउथ कोरिया को वार्न किया है कि आपका जो ये सियोल शुड नॉट गिव अप स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर साउथ कोरिया इस क्वाड ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसको कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी नहीं मिलेगी। तो ये चाइना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस क्वाड की जो सबमिट हुई उससे, इस वजह से चाइना बहुत काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। इसके अलावा इसमें कुछ कंस्ट्रेंट में लाइक अगर वैसे कि ये क्वाड का जो ग्रुप है इसमें सबमिट हुए, लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो इन कंट्रीज़ के बीच में है। लाइक जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देख लें तो इन दोनों के बीच में जो चाइना जो है वो काफ़ी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन दोनों कंट्री का। सो बेशक
जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का मेंबर हैं, क्वाड ग्रुप के पार्टनर हैं, बट इन दोनों कंट्री का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखा जाए वो कौन है, चाइना। सो जिसके खिलाफ अगर ये ग्रुप क्रिएट किया, बट वही जो कंट्री है उन दोनों कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो इट्स ए रिलेशनशिप डेट विल ओनली ग्रो ऑन्स वंस इन द 50 नेशन। और इसके अलावा जो RCEP वाला जो है ट्रेड ब्लॉक है जो 15 कंट्रीज के साथ है, उसमें भी चाइना जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ऐसे कैसे, मतलब ये एक तरफ तो ये ट्रेडिंग पार्टनर, एक तरफ तो ये क्वाड ग्रुप वाला चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो चाइना है उन दोनों कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेडिंग रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस जो RCEP वाला वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों तरफ एकदम इस चीज़ की वजह से ही कंस्टेंट क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा इंडिया गिवन इट्स ओन टाइज विद चाइना सेंसिटिव, जो इंडिया बेशक क्वाड का मेंबर, बट इसके अलावा जो क्वाड में इंडिया की जो मेंबरशिप की वजह से जो ब्रिक्स और जो SCO का है उससे जो कंप्रोमाइजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल इट्स अदर मल्टीलेटरल कमिटमेंट एट द ब्रिक्स एंड SCO ग्रुपिंग। सो ये चीज़ भी इंडिया को देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे मैं बताया कि ऑस्ट्रेलिया और जापान का वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग बड़ा पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो चाइना का ट्रेडिंग, ऑस्ट्रेलिया का जो 10 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखा जाए चाइना पहले नंबर पर, सेम एज जापान। सो जापान में भी देखा जाए तो चाइना पहले नंबर पर, और USA में भी देखा जाए तो USA का अगर ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट USA का सबसे ज़्यादा किसके साथ है, चाइना के साथ। तो तीनों कंट्रीज़ का चाइना के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड रिलेशन है और सेम एज इंडिया के साथ है। तो इस चीज़ को वो कैसे टैकल करेंगे, तो ये इस चीज़ को भी उनको फोकस करना, इस चीज़ पर भी उनको फोकस करना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप आपने अगर UPSC Live को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब UPSC Live एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।